सर एक बार डिमांड बता दीजिए एग्जैक्टली। हमारे जगजीत सिंह डल्लेवाल अभी संक्षिप्त में रखेंगे सर, बट डिमांड एग्जैक्टली क्या क्या डिमांड पूरा एक्सप्लेन। देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैं सब कुछ बताऊंगा भाइयों। मेरा नाम जगजीत सिंह डल्लेवाला, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धू। हम एक बात ये क्लियर करनी चाहते हैं, जो बात में थोड़ा हो सकता है आप सभी को कंफ्यूजन रह गया हो, कि जो वो लेटर था मीटिंग के लिए वो एक कंडीशनल लेटर था। वो कंडीशनल लेटर था, कंडीशन होने की वजह से ये लगा सभी को कि देखिए आज एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि किसान ठंड में आ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर उनको बुलाने की बात हो रही है तो कंडीशन लगाई जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए थी। सरकार देश के लोगों की माँ बाप का रुतबा रखती है, सरकार को फराक दिली बड़ा दिल मन दिखाने की जरूरत थी यहाँ पे कि किसानों को आगे से आकर अगर वही सरकार जो ये रोड छिड़वाने की अब बात कर रही है, अगर वो सरकार के मंत्री जब हम किसान आ रहे थे वो पहले आकर यहाँ हमें ये रिसीव करते कि भाई आप आइए, क्या बात कहनी चाहते हो, यहाँ बैठे हम आपसे बात करेंगे। मेरा ख्याल है किसान इतने अग्रेसिव नहीं होते थे, किसान अपने आप इनकी बात को मानते हैं। तो ये जो इनकी है मेन बात, ये एक तो ये है, दूसरी बात भाई साहब ने कही है कि आपकी मांगे क्या है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी मांगे हैं, हमारी भारत सरकार 3 कानून लेकर आई है एग्रीकल्चर के संबंध में, वो तीनों कानून किसानों के खिलाफ है, कारपोरेट के पक्ष में भुगतते हैं। इसके लिए हमारी ये मांग है कि ये कानून हर हाल में रद्द किए जाएं, ये खत्म किए जाएं, और इन्हीं के साथ एक और ये बिजली एक्ट ला रही है 2020, वो जो इन्होंने ऑर्डिनेंस लाने का जो लाया है वो उसे वहीं का वहीं खत्म किया जाए, वो नहीं होना चाहिए। तीसरा एक और लाई है कानून लेकर आ रही है कि जो किसान पराली को आग जलाएंगे, पराली को जलाएंगे, आग लगाएंगे, उनको 1 करोड़ रुपया जुर्माना और उन पर 5 साल की सजा का प्राविधान किया गया है, जिसे हम मुद्दों रद्द करते हैं और किसान को वापस लेना चाहिए। ये किसान नहीं करता क्यों, ये बात भी मैं क्लियर करनी चाहता हूं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक सर्वे करवाया है, उस सर्वे से निकलकर ये बात सामने आई है